We have started with the concept of invitations, right? And in the last session, we have done what are invitations, kind of invitation that is formal and informal. Then, under formal, we had started off with the occasions of home, that is the auspicious occasions. And today we are going to proceed with events, exhibitions, where you are having the public participation. There we are going to start with that. Before we start with the questions, let me come to the format. देखिए बच्चा, don't get confused. Under formal invitation only, मतलब when we say it is formal, तो formal के ही अंदर you will be having one, जिसमें हो सकता है कि आपके घर में शादी है, आपके घर में कोई फंक्शन है, which is related to auspicious, which is related to family, like मुंडन सेरेमनी, दैट इज टॉनश्योर, टॉनश्योर, हाउस वार्मिंग सेरेमनी, गृह प्रवेश और मैरिज, एंगेजमेंट, सगाई, मेहंदी, मींस विच इज ऑन अ लार्ज स्केल, जहां आप बहुत सारे लोगों को बुलाने वाले हो. दोज ऑल कम अंडर द इन्विटेशन विच वी हैव डन डे बिफोर यस्टरडे. देन वी ऑल्सो हैव सम प्रोग्राम्स, इवेंट्स, जैसे जन्माष्टमी का प्रोग्राम है जिसमें हम बहुत सारे लोगों को बुला के स्टेज पर कुछ करने वाले हैं. स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स डे है, स्कूल के अंदर कोई एग्जिबिशन है जिसमें हम कॉमन पब्लिक को बुला रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर्मल इन्विटेशन, द सेकेंड वन, राइट? दिस इज हमने जो पहले किया था वो मैरिज का था, नाउ वी आर डूइंग द सेकेंड वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने ये वाला किया है, विच आई हैव डन मैरिजेस ये वाला, तो इसमें हमारा होस्ट का नाम ऊपर आया है, तो उसमें पेरेंट्स जो भी शादी करवा रहे हैं उनका नाम आ रहा है, जो भी उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका नाम आया है. सिमिलरली इन द इवेंट्स, होस्ट का नाम आएगा, तो सबसे पहले हम स्कूल वाला करते हैं. प्रिंसिपल का पी, स्टाफ का एस, स्टूडेंट्स का एस, शुड बी ऑलवेज कैपिटल. इसके अंदर हम उसमें लिखा था सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, यू कैन राइट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिख सकते हैं. फील ग्लैड टू इनवाइट यू, फील प्रिविलेज टू इनवाइट यू, दीज वर्ड्स ज्यादा यूज होते हैं. और अब किसको, किस चीज के लिए इनवाइट कर रहे हैं, फॉर व्हाट वी आर इनवाइटिंग. डे, डेट, वेन्यू, टाइम.
इन दिस हमें आरएसवीपी लिखने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड वी हैव टू राइट अ नोट, मीन्स ब्रिंग दिस, उसका नाम क्या, स्विच ऑफ योर कैमरा, बी सीटेड बाय, मतलब कोई भी टाइम आप दे दो, ये मतलब कि कोई ड्रेस कोड है तो वो आप इसमें बताओगे, तो दीज आर द वन विच इज इम्पॉर्टेंट, मतलब इसमें हमें उसमें स्पेशल नोट नहीं देते हैं, इसमें हम स्पेशल नोट देते, देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल नोट दैट। देन वन इम्पॉर्टेंट, वन वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हु इज गोइंग टू प्रिसाइड द फंक्शन, हु इज गोइंग टू प्रिसाइड द फंक्शन, ये आप लोगों को भूलना नहीं है। दिस शुड नॉट बी मीन्स, अगर कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, कोई पब्लिक इवेंट है, तो हु इज गोइंग टू कॉल, देन वॉट इज द इवेंट, वेन इज द इवेंट, वेयर इज द इवेंट, वॉट इज द टाइम ऑफ द इवेंट, हु इज गोइंग टू प्रिसाइड ओवर एज अ चीफ गेस्ट, देन हु आर द कोआर्डिनेटर्स, लाइक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और स्पेशल नोट। This is very important while you are framing the invitations for functions, events. So this is what we call as the format. Now let us come to some question.
So this is the one which is for any event other than annual functions and all. We are now going to start a very different invitation. Listen very carefully. I should see, this is very confusing in fact. Whenever I give this question, the students do this one. Ye wala karke dete hai. See, when you are inviting many people, when you are inviting many people, then we are using this card format. मे बी आपके स्कूल के अंदर फंक्शन है, आपके स्कूल के अंदर कोई एग्जिबिशन है, देर इज सम वर्कशॉप, एनी इवेंट और एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मैरिज और ऑस्पिशियस फंक्शंस, यू विल बी गोइंग फॉर द वन विच इज द कार्ड टाइप. द नेक्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इज ऑल्सो फॉर्मल, उसको भी हम फॉर्मल में बोलते हैं, बट इट इज नॉट लाइक अ कार्ड. कार्ड में आपने देखा कि प्रेजेंटेशन इज देयर. You can see this presentation is there. There is written members of literary club, feel privilege, book, मतलब कि ऐसे करके पूरा मैंने बनाया है. It is in between आया है पूरा आपका. But the one which we are now going to do is when you are inviting a single person. I repeat, when you are going to invite a single person. क्योंकि अब हमने यहाँ पे लिखा है इनॉग्रेशन बाय वर्सटाइल राइटर अरविंद अडिगा. तो नाउ दिस अरविंद अडिगा इज नॉट गोइंग टू कम, अपने आप तो नहीं आएगा कि मेरा नाम जो है वो छापा हुआ है तो मैं चलो मैं निकल के चलता हूँ. तो नो, बिफोर यू पुट हिज नेम ऑन दिस, आपको उन्हें पहले पर्सनली बुलाना पड़ता है. पहले आप जो हो उनको बुलाने से पहले यू हैव टू इनवाइट हिम पर्सनली. और वो जो हम पर्सनल इनविटेशन देते हैं ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मल इनविटेशन. लेकिन उसको हम लिखते जो है वी राइट इट इन द बॉक्स इन लेटर टाइप, वी राइट इट एज अ लेटर. बॉक्स तो सबके में ही होगा, लेकिन वी राइट इट एज अ लेटर. So if your question, because this is a very common question which comes in the paper, ki you have to call the person, लेकिन बच्चे क्या करते हैं उसमें वो बॉक्स बना के कार्ड बना के दे देते हैं कि मैम हमने तो बना दिया, मैम आपने हमारे मार्क्स काट लिए. Very common is last year I had many students who would say, मैम आपने हमारे मार्क्स काट लिए, मैम आपने हमारा पूरा गलत कर दिया. तो बेटा इफ आपने, when we are writing to all तो हमारा कार्ड वाला, एंड वेन वी आर राइटिंग टू वन पर्सन तो ये लेटर वाला.
We write it in the letter format. It is written in the letter format. Simple, sender's address, date, subject, then to whom you are addressing, then what is the invitation about and what you want the person to do. मतलब आप judge करना है उसको, inaugurate करना है, preside over करना है, what you want the person to do. That is all you have to write. In this, if you read the question carefully, you all will find the English Literary Club of Government Model School Sector 19 Chandigarh is organizing a zonal declamation competition. Draft a letter. Now this letter is your keyword. Sometimes it might be invite Dr. Shailesh Gupta. Yani ki sirf ek insaan. These two are the कीवर्ड्स कि आपको कौन से वाला जो इनविटेशन है वो बनाना है. ड्राफ्ट अ लेटर इनवाइटिंग डॉक्टर शैलेश गुप्ता या फिर इनवाइट डॉक्टर शैलेश गुप्ता. तो यानी कि आपको सिर्फ एक इंसान को लिखना है. तो दैट मींस यू हैव टू राइट द लेटर वन. ये दिस इज अ कीवर्ड फॉर सच क्वेश्चंस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी टाइम व्हेन आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन I find difficulty with my students. कि उनको समझ नहीं आता वो इसमें भी वो उसका नाम क्या student staff वाला बना देते हैं. No, when it is written एक नाम लिखा हुआ है only to that person, that means a letter वाला. Sorry. And do not, you know, कुछ भी मत उसमें मत लिखिएगा.
इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन हु इज गोइंग टू. अब देखिए ध्यान से, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू मेंशन. हु इज ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, देन व्हेन, वेयर, टाइम एंड व्हाट यू वांट द पर्सन टू डू. मीन्स वी वांट द पर्सन टू बी द चीफ जज. कभी कभी इट माइट बी चीफ जज, चीफ गेस्ट. And then yours sincerely, the name and if any designation. Box will be there for all the invitations and replies, irrespective of whether it is formal, informal, card one, anything. Box would be there. That's an important portion. So these were the three kinds of different kinds of invitations under formal, means a one which is for auspicious, second is for the events, and third one is when you are giving an invitation to a person personally. यानी कि आप उनको बुला रहे हो for presiding, for chief guest, chief judge. These are three. जब third question आता है तो as I said that many times the students are confused. So don't get confused. If it is written for all, तो it is obvious that you are going to give the one जो card वाला है. And if it is only for one person, किसी का नाम लिखा हुआ आया हुआ है, तो then you have to give the invitation only for that person. That is a letter type. So this all covers formal invitation. In our next session, we would be definitely starting with informal invitations. Right? With this, we can take an off for today. Bye.